चुनावी समर में डिमांड है आपकी खास, डिमांड है कहीं हर डिमांड है खास। पब्लिक की हर डिमांड पर होगी हमारी नजर, देखिए हमारा खास बुलेटिन पब्लिक डिमांड सिर्फ भास्कर समाचार पर। पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार का खास बुलेटिन पब्लिक डिमांड और मैं अरुण राठी एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं जनपद शामली के ऊंचा गांव में, जहां से अरविंद कुमार की धर्मपत्नी श्रीमती मोनी प्रधान पद प्रत्याशी हैं। फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं अरविंद कुमार जी, जानेंगे इनसे क्या इनका चुनाव चिन्ह है और चुनाव को लेकर तैयारियां क्या चल रही हैं। अरविंद जी सबसे पहले स्वागत है आपका। स्वागत है जी, नमस्कार जी। अच्छा अरविंद जी, क्या आपकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही है, उनका चुनाव चिन्ह क्या है और चुनाव को लेकर तैयारियां क्या चल रही है? उनका चुनाव चिन्ह है चरण खड़ा हो जी, और वो जो है उनकी प्रक्रिया चल रही है कि हम ये अपने गांव में वो जो करते हैं, हाँ वोट मांग रहे हैं, और जो है गांव में सब जगह घर घर जागरूक कर रहे हैं कि भाई आप जो है अच्छे इंसान से, जो अच्छा इंसान समझो आप उसको वोट दो और जो सच्चा उतरे जी। अरविंद जी बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं मत एक अपना अधिकार होता है और ये उसी व्यक्ति को देना चाहिए जो आपके ग्राम समाज के लिए अच्छा वर्क कर सके। अरविंद जी, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे आपका प्रोफाइल क्या है, आप और क्या काम करते हैं? प्रोफाइल ये है जी, ये खेती बाड़ी काम है घर का अपना, और जो है ये मतलब पारिवारिक जो है व्यवस्था ठीक ठाक है, अच्छी है, और ये मतलब गाँव की हम भी चाह की मनोकामना की हम भी गांव में राजनीति में जो है अच्छा काम करें विकास कार्य के लिए। और अरविंद जी, अभी आपने थोड़ी जानकारी मैं आपसे लेना चाहूँगा, आप गांव में घर घर जा रहे हैं वोट मांग रहे हैं, कैसा आपको समर्थन मिल रहा है? समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा जी, प्यार भाव का है और बहुत ही बढ़िया खुशहाली से समर्थन मिल रहा कि भाई जो है आपकी हमको हमारा समर्थन आपके साथ है, आप बहुत अच्छे आदमी हो और बहुत ही व्याकुल आदमी हो और मेहनती भी हो, और आप काफ़ी दिन से गाँव में जो है साफ़ सफाई व्यवस्था भी आप दुरुस्त रखो, बहुत ही बढ़िया काम चला रहे हो, और कोरोना काल में भी हमने बहुत ही सहयोग दिया साथ रहे, और कि हमने प्रमाण पत्र मिला गांव से, बहुत ही सम्मान करा गांव वालों ने कि आप जो है बहुत ही संवेदनशील आदमी हो, और इस वजह से हम जो है चुनाव में लड़ना चाहिए, हमें भी एक किस्म का चांस मिले। तो अरविंद जी, जैसे आपने बताया समाज की अगर हम बात करें, गांव में ये निर्णय आपका ही था कि मेरी पत्नी चुनाव लड़े या समाज के लोगों ने इकट्ठा करके आपको चुनाव लड़ा? नहीं, ये जो है निर्णय जो है सभी इस वजह से करते जी, जो गाँव के अच्छे आदमी है वे भी करते कि आरक्षित सीट आई है आपके पास, आप अच्छे आदमी हो, आप जो इसमें भाग ले और जो है आपका जो है साथ हम रहेंगे, और सभी ग्रामवासियों का आपका शौक रहेगा कि आप जो है चुनाव लड़ो और जो है विकास कार्य के लिए आप भी साथ रहेंगे, हम भी साथ रहेंगे आपके। अभी आपने कोरोना का जिक्र किया था अरविंद जी, कोरोना काल चल रहा है, चुनाव प्रचार भी करना पड़ता है क्योंकि मजबूरी है, इसी दौरान चुनाव आया है, तो इस कोरोना काल में सरकार की कुछ गाइडलाइंस भी आई हुई है जी, तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे समाज को हमारे चैनल के माध्यम से? ये संदेश ये है कि कोरोना काल में जो है एक तो मतलब मास्क वगैरह लगाना और हाथ जो जल 10-10 मिनट में जो है हाथ साबुन से और जो है सर्फ से हाथ धोते रहना, और जो है 2 गज की दूरी रखना वो है, और जो किसका कि मतलब भीड़ न लगाना, और अपना जो है मतलब अपने घर पे जाकर अपने घर पे रहना, वो बाहर नहीं निकले, कोई ज़रूरी काम हो उसकी वजह से बाहर निकल लो, यानी जो है ज़्यादातर अपने घर पर रहना। तो शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ अरविंद कुमार जी, जिनकी धर्मपत्नी ऊंचे गांव से प्रधान पद प्रत्याशी है, इनका चुनाव चिन्ह चरण खड़ाऊ है, कोरोना काल चल रहा है, कोरोना को देखते हुए इनका जो संदेश है समाज के लिए सराहनीय है। अब देखना यह होगा, लंबे समय से अरविंद जी समाज के लिए कार्यरत हैं, इन्होंने समाज सेवा की है, तो ऊंचे गांव की जनता इस समाज सेवा का अरविंद कुमार को क्या फल देती है, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद कुमार घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, इनकी धर्मपत्नी प्रधान पद प्रत्याशी हैं, अगर गांव की जनता ने इनमें उम्मीद जताई और इनमें विश्वास जताया तो गांव का विकास जरूर होगा। अरुण राठी, भास्कर समाचार, शामली।